मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छी हैं। अभी सवेरे का टाइम है और आज से हम थोड़ा सा शादी में बिजी होने वाले हैं। एक्चुअली शादी है घर पे, जो दीदी हैं उनकी जो बड़ी सिस्टर है उनके बड़े बेटे की शादी है, तो बस पास ही रहते हैं हमारे, ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां आज है हल्दी का फंक्शन। तो सारे काम खत्म हो चुके हैं, आज बसी ने भी छुट्टी ले ली है ऑफिस से और इशू को तो मैंने स्कूल भेज दिया, मैं तो इशू को थोड़ा सा जल्दी हम लोग लेके आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं रेडी होती हूँ हल्दी के लिए, दीदी रेडी हो रहे हैं ऊपर, तो चलिए मैं भी रेडी होती हूँ। अभी तो खैर उतना ज्यादा रेडी नहीं होना, नॉर्मल सा ही होना, बट थोड़ा बहुत फिर भी टचअप कर लेते हैं। तो चलिए रेडी होके फिर आप लोग को मिलती हूँ, पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, फिर रेडी होते हैं, ठीक है। ये है साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ हल्दी के लिए, लेमन येलो कलर की, और उसके साथ ये रहा ब्लाउज। ये तो साड़ी के साथ का ही ब्लाउज है, ये अलग से स्लिप कट ब्लाउज है, तो देखती हूँ दोनों में से कौन सा पहनती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, दोनों में से जो भी बेटर लगेगा वो मैं पहनूंगी। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी रख दिए हैं, ये वाले बैंगल्स मैं डालने वाली हूँ, सेट बना के रख दिया ना मैंने, तो ये जो येल्लो वाला है ये वाले बैंगल्स मैं पहनूंगी अभी, इतना एक हाथ के लिए और इतना एक हाथ के लिए ये पहनने वाले हैं। तो चलिए रेडी होते हैं। यहाँ पे इनके शादी का कार्ड भी रखा हुआ है मैंने, राहुल एंड मोनिका, राहुल वेट्स मोनिका। तो शादी का कार्ड मैं देख रही थी ना कि क्या क्या फंक्शन है करके, तो तब निकाल के रखा था मैंने। तो चलिए फटाफट होते हैं रेडी। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी के फंक्शन के लिए। गले पे मैंने एक ये डाल दिया ग्रीन कलर का, क्योंकि ये साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, वैसे तो कभी मौका मिलता नहीं है पहनने का। और कान में डाल दिए हैं झुमके, हाथों में डाल दी है बैंगल्स, तो बस रेडी हो गई हूँ। तो ये है मेरा अभी का लुक, तो बस तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बसी भी रेडी हो गए हैं, बसी गए हैं अभी इशू को लेने के लिए स्कूल। मैं तो कह रही थी कि 1:30 बजे ही लाएंगे, पर ये मना कर रहे, कहते नहीं बोलते ले आते हैं, उसका भी मन है ये वो करके, तो मैंने बोला चलो ठीक है ले आओ। तो वो गए हुए हैं स्कूल इशू को लाने के लिए, इशू आएगी फिर उसको भी मैं रेडी करती हूँ। संगीता बिजली आ रही है। सामने देख रहे हैं, सामने
लगे मेरा भी रह गया हल्दी का फंक्शन जो है खत्म हो गया है। हल्दी लगा दी दूल्हे को, उनकी अभी पूजा चल रही है। तो हम लोग छत में आए थे रील बनाने के लिए और मेरे साथ है दीदी, इधर को देखना जरा दीदी का मिजाती खत्म नहीं हो रहा। ये रही दीदी और यहाँ पे बैठी है करीना और पीछे ये रही पूजा। हेलो हेलो जान बुझ गया। ये रही पूजा और अंदर बच्चे पार्टी बैठे हुए। तो हम लोग, संगीता भी आई थी, संगीता भी नीचे चलेगी। तो हम सब लोग ऊपर छत में आए हुए हैं, यहाँ पे बना रहे हैं रील। तो फिर रील बन जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो संगीता आ चुकी है, ये गई थी नीचे किसी फोन लेने गई थी ना, ये फोन लेने गई थी। आगे दूल्हे की बहन है, उसने हल्दी वो करी थी, हाथ दिखाना अपने, कच्ची हल्दी पीसी थी ना, तो उसके हाथ पूरे पीले हो गए। मुझे लग रहा है इसकी भी शादी जल्दी होने वाली है, तभी हाथ पीले हो रखे इसके। इसके बाद संगीता का ही नंबर है। यहाँ पे अभी सब ढूंढ रहे हैं अपने अपने सॉन्ग रील बनाने के लिए, इन सबको अभी टाइम मिल रहा है। रेडी हो चुके हैं फंक्शन के लिए। सुबेरे था हल्दी का फंक्शन और अभी रात को है मेहंदी का फंक्शन। तो अभी 7:30 होने वाले हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने अभी पहना हुआ है ग्रीन वाला सूट और ये रही इशू। इशू देखो, देखना यार, इशू का ना मैंने हेयर कट करवाया था, तो हेयर कट करवा के सही लग रही है इशू। और ये रहे बसी, इनका कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है ऑफिस का, तो ये जब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग निकलते हैं। दीदी लोग चले गए हैं, बस हम तीन ही रहते हैं, तो हम लोग भी निकलते हैं। थोड़ा सा इनका काम है, वो फिनिश हो जाए। और इशू पता नहीं आज क्यों गुमसुम से बैठी हुई, क्या बात इशू? आपका मूड नहीं है जाने का? नहीं जाना आपने, कैंसिल कर दो फिर प्रोग्राम इशू। पापा को क्या देख रही हो? नहीं जाना, नहीं जाना तो बता दो। हाँ जी, कैंसिल कर दे प्रोग्राम। अब इशू से पूछो भाई, इशू क्या कहती है? इशू क्या करे, जाने? तेरे मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? इधर को भी देख लो, गाड़ी काम मैं ही आनी हूँ, काम मैं ही आऊंगी। आते आते दोनों के दिल पास आ गए।